महारानी की शादी को एक महीना हो गया है पर मेकअप से फुर्सत नहीं मिली। छोटी। हाँ भाभी, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, इसलिए तुझे बुलाने आई हूँ। मतलब ये कि किचन पर बर्तन पड़े हैं तुम्हारी राह में, आके उन्हें भी मेकअप कर दो। मेरा मतलब ये कि उन्हें भी चमका दो। क्या बर्तन, वो भी मैं साफ करूँ? नो वे भाभी, मैं शादी करके इस घर में बर्तन साफ करने थोड़ी आई हूँ। तो तू क्या चाहती है, सारे काम मैं अकेली करूँ? मैंने ये कब कहा कि आप करो, क्या मतलब है तेरा? अरे काम वाले से करवा लो, मेरे मायके में बर्तन काम वाली ही करती है, मुझे बर्तन माँजना आता ही नहीं। तेरे नाटक कभी खत्म नहीं होने वाले। ये भाभी भी ना, हर बात पर लड़ने का मौका चाहिए इन्हें। आज तो सारा काम करते करते थक ही गई, प्यास लगी है। छोटी से कहती हूँ। छोटी, ए छोटी। हाँ भाभी, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, जा एक ग्लास पानी ला दे, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या क्या भाभी, एक ग्लास पानी के लिए आपने मुझे बुलाया? आप खुद भी तो ले सकते थे ना। तू ला देगी ना तो घिस नहीं जाएगी। मैं कोई आपकी नौकर थोड़ी हूँ, जो आप कहोगे वही करूँगी। एक ग्लास पानी के लिए बहस क्यों कर रही है? नहीं लाना है पानी तो मना कर दे। भाभी बहस मैं नहीं, आप कर रही हो। आपने मुझे बुलाया, वो भी एक ग्लास पानी के लिए। आपको पता भी है मेरे मायके में मुझे कोई ऐसे ऑर्डर नहीं करता जैसे आप करती हो। उससे तो एक ग्लास पानी मांगकर गलती कर दी। रहने दे, मैं खुद पी लूंगी। जब देखो तब लड़ती रहती है। छोटी। क्या है भाभी? ला रिमोट मुझे दे, तू कब से देख रही है? अब मेरी बारी है, मेरी सीरियल आने वाली है। मैं भी अभी देखने बैठ रही हूँ, आप अंदर वाली टीवी में देख लो। तुझे पता है ना अंदर वाली टीवी खराब हो रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, ये टीवी मेरा है, मेरे मायके से आया है, इसे मैं जब चाहूँ देख सकती हूँ। आप होती कौन है मुझे कहने वाली? जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। देख निशा, मुझे पता है ये सब तेरे मायके से आया है, पर ये तो ठीक नहीं है ना कि तू बार बार गिनवाती रहे। माना कि मैं गरीब हूँ, अपने मायके से ज्यादा कुछ नहीं लाई, पर तू बार बार कहती है तो मुझे भी बुरा लगता है। देख निशा, देवरानी जिठानी का रिश्ता दो बहनों की तरह होता है, जो झगड़ा भी करे तो प्यार भी बहुत हो। अगर हम दोनों ही ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अलग होना पड़े। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप क्यों मांग रहे हो? मैंने न जाने आपको क्या क्या कह दिया, अपने मायके का घमंड भी बताने लग गई, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी कह दिया। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे ये क्या कह रही है तू, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा, भला छोटी बहन से कोई नाराज रह सकता है? अच्छा भाभी ये लो, लगाओ आपका सीरियल, हम दोनों मिलकर देखेंगे। अरे तू भी ना।